इतने गुज्जर जब कश्मीर से दिमाग खराब होगा, वो भेड़ बकरी घोड़े लेकर आ जाएंगे, मकान बनाया वो हटा देते हैं, JCB लगा देते हैं, अभी गुज्जर का वो उसका गिरा दिया, आज उसका गिरा दिया, उनको होश ही नहीं लेने देते। घेराव कर देंगे नरेंद्र मोदी के घर में, गुज्जर समाज घुस जाएगा। मेरा नाम गजेंद्र चौधरी है, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात, एक हमारे 40 संगठनों के बाबा अंतराम जी हमारे बीच में आए हुए हैं, सबका ऐलान हो गया, और हिंदुस्तान गवर्नमेंट को इन हमारे कश्मीर बकरवाल भाइयों के साथ में हम आगाह कर देना चाहते कि इनका जो 10% आरक्षण है उसमें किसी की एंट्री ना की जाए, उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर भूल से वो कर दिया तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हिंदुस्तान का गुजर एक होगा, और इसके खिलाफ बहुत बड़ा सांकेतिक आंदोलन आज का वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जैसे राजस्थान में हुआ। राजस्थान को याद कर लेना, जय हिंद जय वीर गुजर। आरक्षण लेने में और आरक्षण को छीनने में बहुत बड़ा पत्रकार महोदय बहुत बड़ा अंतर होता है। आज हमारा आरक्षण बकरवाल भाइयों से छीना जा रहा है कश्मीर में, और वहाँ हमारा जो हमारा गुजर बकरवाल भाई हैं उनसे छीना जा रहा है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारा लेने के लिए था, आगे करेंगे, प्रोटेस्ट तो होते रहेंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पे इनका कोई भी आरक्षण का हिस्सा जाने नहीं देंगे। जय हिंद जय गुजर जय वीर गुजर। राजस्थान मुद्दे पर हम बाद में बोलेंगे, लेकिन आज जो हम जम्मू कश्मीर के जो आज हमने जो आज जम्मू कश्मीर के अपने गुजर भाइयों के लिए जो आंदोलन किया है, आज उस आंदोलन की बात करेंगे, और उस गुजर आंदोलन में हम आप महोदय से बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे गुजर भाई हैं उनके जो आप छेड़छाड़ करने चाह रहे हैं, आपने हर बार गुजरों को देखा होगा, वो देश हित थे, देश पे मरने मिटने वाली कौम है। ऐसा ना हो, केंद्र सरकार से मैं बोल देना चाहता हूँ, ऐसा ना हो जो देश की सीमाओं पे अपनी जान कुर्बान कर देते हैं वो एक दिन सरकार से टकराने के लिए सड़क तक उतर आए। मेरा नाम विनोद गुजर, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गुजर टोटल हिंदुस्तान का एक है, कोई भी कोई फर्क किस तरह का कुछ है नहीं, जो कोई हिंदुओं का मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई भी है, सारा गुजर एक ही है। कारण क्या है? कारण जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के गुजर भाई हैं उनको 10% जो आरक्षण बनाया गया उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आरक्षण किस बात का सर? सरकार EWS ला रही है सर, तो आरक्षण का तो काम ही सरकार जब पता ना क्या क्या कर रही है, सरकार को दे, लेकिन जो हमारे भाइयों को आरक्षण दिया, जो अमित शाह जो छेड़छाड़ करने प्रयास करे उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे भाइयों को जो ST में उनको दिया जाए। हम इसलिए आए, हमारी ये मांगे हैं जो हमारा अपना हक है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, और न ही हम बर्दाश्त करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो हम सड़क पर उतर आएंगे कन्याकुमारी से लेकर ले लद्दाख तक, और इसमें कभी हम पीछे हटने वाले नहीं और नहीं हटेंगे, क्योंकि पूरा राजस्थान तक लेकर पूरा जम्मू गुजर हमारा 35 करोड़ गुजर हमारे साथ है, और जम्मू कश्मीर का 40 लाख गुजर है। हमें है ST का हकदार है ना हम, इसलिए हमें चाहिए ना, क्यों हम आज नहीं 1991 से लेकर ST के हकदार हैं, और हकदार ही ST के हम हैं, इसलिए हमें चाहिए। बाकी कोई आदमी इसको शूट नहीं करता है, और पहाड़ पर रहने वाले हम लोग हैं जो कि 6 महीने नहीं बल्कि 8 महीने हम पहाड़ों पर रहते हैं। बाकी वाले लोग तो जो हैं ये मैदान में रहने वाले हैं, ये तो घरों में रहने वाले हैं, जो खुले आसमान के नीचे हमारे टेंट लगे हुए हैं इस वक्त भी देख सकते हैं। कोई भी पार्टी भेजी जाए वहाँ जाकर सर्वे किया जाए, देखे कितने लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं। और पीछे बताया जंगलात एक्ट के बारे में बताया, जो कि आज दिन तक जम्मू कश्मीर में खाली 13 आदमी को फ़ायदा मिला। क्या 13 आदमी है 40 लाख में से? 13 आदमी को फ़ायदा मिला। बाकी 432 इंतकाल हैं वो किन के पास हैं? वो ही खर्च किए जा रहे हैं, उनकी लिस्टें मांगी जा रही हैं। किसी जगह जंगलात में किसी का कब्जा उसको उठाया जा रहा है, किसी जगह सरकार में कब्जा उसको उठाया जा रहा है। इसलिए ऐसी बातें करने से, ऐसी छूछा करने से हम का जो काम कर रहे हैं का काम है, ये खिलाफ जा रहा है, और इसको कभी बर्दाश्त नहीं हम करेंगे ना करेंगे। हमारे साथ पूरा गुजर है, जम्मू कश्मीर का पूरा भारत का गुजर हमारे साथ है, हम इंशाल्लाह इससे हटेंगे नहीं। और जो भी काम आज तक किया है वो गुजरों ने किया है। काका हिल की जो लड़ाई थी वो गुजरों ने जीती, हिंदुस्तान की फौज नहीं जीत सकी।
और वो नाकामयाब रह गई। और उस वक्त गुजरों ने और हमारी औरतों ने, बच्चियों ने, बीवियों ने रफलें उठाई और 73 मिलिटेंट वहाँ मार कर ढेर कर दिए। 500 मोर्चे उनके बने हुए थे और उनके ठिकाने बने हुए थे, वो वहाँ रह रहे थे जैसे कि घर में कोई रह रहा। उसके बाद वो कब्जा जो है वो हमने गुजर लोगों ने छड़ाया। और औरंगजेब जो मारा गया वो कौन था? गुजर था। ज़रा किसी गुजर का एक का नाम लेकर बता दें मुझे कि नहीं जी गुजर मिलिटेंट बना है। गुजरों ने जो कार्रवाई किया था हिंदुस्तान को बचाने वाला, इस वक्त भी हमारे जम्मू कश्मीर में 40 किलोमीटर जो हवाई 40 किलोमीटर पटरी है उस पर गुजर और बकवार रहते हैं, जिनको आज दिन तक कोई बिजली पानी कोई भी सड़क कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। वो रह रहे हैं, स्कूलों की फैसिलिटी नहीं है, वो रह रहे हैं जो कि रात को आर्मी के साथ होते हैं, दिन को अपना कारोबार करते हैं। रात को आर्मी आ जाती है, हिंदुस्तान का गोला है उन पर लगता है, पाकिस्तान का है उन पर लगता है। और सन 1947 से लेकर आज दिन तक बॉर्डरों पर कुर्बानियां दे रहे हैं। कितने मेजोरिटी जो आपके साथ यहाँ पे खड़ी है जंतर मंतर पे? जंतर मंतर पर तकरीबन हम यहाँ हैं आज 10,000 आदमी हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग भी थे और बाकी 2,000 आदमी हम जम्मू कश्मीर से भी आए हैं और बाकी लोग आए हुए हैं। अभी बसें हमारी दो पीछे लगी हुई हैं। ये सब गुजर हमारे साथ गाय भैंसे लेकर दिल्ली पहुँच जाएंगे। इतने गुजर जब कश्मीर से दिमाग खराब होगा वो भेड़ बकरी घोड़े लेकर आ जाएंगे। वो घोड़े लेकर सीधे दिल्ली में आके इधर पड़ेंगे। यहाँ से कन्याकुमारी तक जितने यहाँ तक गुजर हैं वो सब गुजर यहाँ आ जाएंगे। और इनको गवर्नमेंट को होश नहीं रहेगा कि हम कानून अपनी चलाएंगे या गवर्नमेंट चलाएंगे या कि इनको संभालेंगे। गुजर इतने खामोश बैठे हैं, क्यों? गुजर सब्र वाली कौम है। गुजर जो है हमेशा सब्र रखती है। गुजर वक्त जो लोग हैं वो हमेशा पहाड़ों में रहते हैं, उनको कोई मारता भी है, पिटाई भी करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं, सब्र से काम लेते हैं। हमेशा आराम के साथ भेड़ बकरी गाय लेकर भैंस वो पहाड़ी पर जाती, 6 महीने नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद फिर जब उनको तकलीफ कोई, इधर कहीं कुल्ली बनाई है वो हटा देते हैं, जंगलात में मकान बनाया वो हटा देते हैं, फिर JCB लगा देते हैं, कभी गुजर का वो उसका गिरा दिया, आज उसका गिरा दिया। उनको होश ही नहीं लेने देते, क्यों? कि इसको सब कौमें मिल के दबाती हैं। गुजर एक दबावी कौम थी, जो अभी सिर जो जैसे उठाते हैं उसको सिर पर, जब थोड़ा सा कहीं से फैसिलिटी मिलती है फैसिलिटी को रोकने के लिए दूसरी कौम आ जाती है। दूसरी कौम कहती है कि नहीं ये हमको चाहिए। वो अपने आप को राजपूत लोग जो कहते हैं, हम लोग कहीं से आते होंगे, ये गुजर कहीं के कहां से आ गए, हम लोगों पर वो हंसते हैं। इसलिए उन लोगों को हमारा हक नहीं दिया जाए। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक हम गाय भैंस भेड़ बकरी लेकर रोड फैल जाए। गुजर तो सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, आपका साथ क्यों देंगे? तो छोड़ के बीच में कहीं छोड़ के चले गए तो बहुत पैसे वाले हैं, छोड़ सकते ही नहीं। एकता की बात है, कभी छोड़ ही नहीं सकते। गुजर सारा गुजर सारा एक है, गुजर की एकता एक है। हालात देखी है, हालात देखकर उस हालात के सबब से ये हमारे साथ कोई फर्क नहीं है, पैसा कोई फर्क नहीं है, ना कोई छोटा बड़ा, गुजर समाज सारा एक हिंदुस्तान सरकार। लेकिन वहाँ भी गुजर बकरवालों ने साथ दिया, किसी ने यस नहीं किया। गुजर बकरवाल हैं जिन्होंने यस किया और उन्होंने साथ दिया, समझी बात? लेकिन साथ देने के बावजूद होकर इस वक्त 40,000 गुजर हैं और 8,00,000 जो हैं पहाड़ी हैं, और जो कि पहाड़ी नाम के पहाड़ी हैं। पहाड़ी वो है जो गुजर इस वक्त पहाड़ पर रहता है, जो पहाड़ पर चलता है वो पहाड़ी है, या कि जो जहाँ दिल्ली में बैठेगा जंतर मंतर बैठेगा वो पहाड़ी है। ज़रा सर्वे किया जाए और देखा जाए, जो कि इस वक्त भी टेंटों में रह रहे हैं और खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, और आज उस 8,00,000 को खुश करने के लिए अगर हमारे साथ हिस्सेदार बनाएं या हमारे साथ छेड़ करेंगे, हम बिल्कुल कभी भी नहीं हटेंगे। और नहीं अभी दिए नहीं को बंद करके रखे हैं, वो रोडों पर नहीं आने दे रहे, कहाँ की कश्मीर के दुनिया गरीब हो जाए, ये आगे ना आए, हमारे आगे घुटने टेक दे, लेकिन कश्मीर घुटना टेकने वाला नहीं। और भाई जी मैं आपको बताऊँ, आपको गलत फहमी हो रही है, 100 कोस का गुजर एक है। जम्मू कश्मीर पे कोई भी बात आएगी, दिल्ली NCR का गुजर या कोई भी हरियाणा UP और दिल्ली का गुजर जम्मू कश्मीर के साथ दिन रात खड़ा है। कोई भी आज नरेंद्र मोदी को सीट बैठाने वाला, जो आज प्रधानमंत्री बैठा सीट पे, वो भी गुजर समाज ने बैठाया है। नरेंद्र मोदी कहीं बाहर से नहीं है, गुजरात में भी गुजर है। आपको गलत फहमी है, गुजर यहाँ के पैसे वाले, हम सब पहले हिंदू बाद में, पहले गुजर समाज और गुजर है पहले हम, और जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम। नहीं मैन कानम, ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बोला है उसमें आरक्षण में, ये नहीं होने देंगे। गुजर समाज आज अपील कर रहा है, छोटा सा धरना प्रदर्शन है, पूरे रोड पे गुजर समाज आ जाएगा, रोड जाम हो जाएगा, दिल्ली जाम हो जाएगी, संसद
घेराव कर देंगे नरेंद्र मोदी के घर में, गुजर समाज घुस जाएगा। आप क्या गड़ी गड़ी आरक्षण क्या छीन रहे हैं, दिया हुआ छीन रहे हैं हमें दिया। आप गड़ी गड़ी ये बात क्यों पूछते हैं, इसका पूछने का आपका मुद्दा क्या? आप मेरे से सुनो, हम इसलिए मांग रहे हैं, हमें आज 3 साल से कोई हक नहीं मिल रहा, इसलिए मांग रहे हैं। नहीं, आप गड़ी 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 आरक्षण की मांग रहे हैं, हम इसलिए मांग रहे हैं, 3 साल से हमें कुछ नहीं मिल रहा और हम अपने हक से दरबदर हो गए।